एक्चुअल मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और कोलकाता में रोड के साइड में आप कहीं पर भी जाइए आपको होर्डिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट दिखने ही मिलेगा। तो ये मुझ पर बहुत इम्पेक्ट किया। मैं जब भी कोलकाता में कई बार भी स्केच करते जाता था कुछ ड्राइंग्स या फिर आउटडोर्स, तो मुझे वो सब चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगता था कि दो होर्डिंग्स पास पास में आके कैसे नैरेटिव प्ले करते। एक्चुअल में मेरा जो लैंडस्केप है, मेरे काफ़ी लैंडस्केप मैंने किया है, पेंटिंग जो एक्रेलिक ऑयल ये सब मीडियम मैंने काम किया है, एक 2D ऐसे पिक्चुरल स्पेस के ऊपर। तो उसमें क्या होता था कि लैंडस्केप के अंदर होर्डिंग्स आता था, एक लाइक चाइनीज़ लैंडस्केप बहुत बड़ा लैंडस्केप का स्केल और उसके अंदर छोटे छोटे होर्डिंग्स। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना मेरा पेंटिंग की जो मैं हैंडमेड पेंटिंग करता हूँ वही पेंटिंग बहुत बड़ा स्केल में करूँ और उसको एकदम रियल सिटी में होर्डिंग के स्पेस में मैं डिस्प्ले करूँ। तो उसमें फर्स्टली बहुत ऐसा मैंने सोचा है कि एक तो है आई व्यू, जो हम लोग एग्जीबिशन हॉल में पेंटिंग डिस्प्ले रहता है और उसमें हम लोग देखते हैं एक ही आई व्यू से, वो चेंज होगा। रिसेंटली मैंने मटेरियल्स लेकर, मटेरियल्स मतलब एकदम जैसे किला, कॉपर वेयर, फिर लेदर, ये सब मैंने मेरे काम में यूज़ कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही आम पब्लिक जो है उससे बहुत रिलेटेड है ये चीज़। तो ऐसा जो हम लोग नॉर्मल सी बात करते हैं कुछ भी छोटे छोटे चीज़, उसको मैंने मेरा पेंटिंग में ड्रॉ करता था एकदम हैंडमेड। और लाइक सुधीर पटवर्धन, भूपेन कक्कर, इन लोगों का काम मैंने देखा और उससे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है वो चीज़। शायद वही से ये सब चीज़ आया है मुझ पर। मेरा जो फर्स्ट मैंने बड़ौदा में आके जो काम किया था वो उसमें शाहजी ये जो वाटर टैंक है उसका इमेजेस मैंने यहाँ पर मेरा काम में यूज़ किया। और सायजीगंज ये सामने जो सैफ्रन की वहाँ पर डेली मैं देखता था कि एक नारियल पानी वाला ऐसे बेचता है। तो बड़ौदा का तो इन्फ्लुएंस है ही मुझ पर, बहुत छोटे छोटे चीज़ को कैसे इंटरेस्टिंग को कितना ह्यूमरस दिखा सकते हैं वो चीज़ मैंने बड़ौदा आके देखा हो, सीखा हो सब।